विंडो का कर्टन हटा देना, शांत हो जाओ। तो सुनो, कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम लोग सुनो ये सारे एग्जांपल कर लिए थे, CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन हो गया, NH3 और BF3 का एडक्ट हो गया, इसके अलावा आपका HNO3, इतने सारे एग्जांपल कर लिए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल हम लोग करते हैं वो है Al2Cl6 का एग्जांपल देख लेते हैं। Al2Cl6, तो Al2Cl6 देखो मैं ही बता देता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली में आप देखो Al2Cl6 जो होता है ना, एक्चुअली में क्या होता है, डाइमर होता है किसका, एक्चुअली में Al2Cl6 जो होता है वो डाइमर होता है AlCl3 का, एल्युमिनियम क्लोराइड का। किसका डाइमर होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड का डाइमर होता है। डाइमर का मतलब क्या होता है, दो मॉलिक्यूल से मिलकर Al2Cl6 बना ना, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे डाइमर, क्योंकि दो मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहा है। कहने का मतलब जनरल फार्मूला हम लिखे, यदि 2A से A2 बन रहा है तो हम इस फॉर्म को क्या कह देते हैं, डाइमर। यदि मान लो 3A से A3 बनता है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ट्राइमर कह देंगे। मान लो 4A से A4 बन गया तो क्या कह देंगे इसको, टेट्रामर। क्या कह देते हैं इसको, टेट्रामर। अरे बस कर यार, और मत मारो, चार और मर चुका है। इसी तरह से यदि मान लो n मॉलिक्यूल्स ऑफ A से यदि AN बन गया तो इसको हम क्या कह देते हैं, पॉलीमर। क्या कह देते हैं, नाम सुने पॉलीमर का, हाँ तो ये पॉलीमर, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो यहाँ पे जो हम Al2Cl6 की बात कर रहे हैं, एक्चुअली में क्या, इट इज अ डाइमर ऑफ AlCl3। हाँ कुछ बोल रही हो क्या, हाँ बोलो सर। अगर जो सर H2 एक डाइमर होगा, क्या H2 क्योंकि वो दो हाइड्रोजन से मिलते हैं। नहीं नहीं H को, ये H से H2 बोल रही हो, तो ये कोई एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल नहीं है ना। डाइमर ट्राइमर की जो बात करते हैं ना, वो किसी एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल से करते हैं, हाँ मॉलिक्यूल से करते हैं, ठीक है। ये तो मॉलिक्यूल सिंपली कहेंगे इसको हम। हाँ तो सुनो, अब हम लोग इसका फॉर्मेशन समझते हैं कि Al2Cl6 में बॉन्डिंग किस तरह से होता है। आपको सवाल इस तरह से दिखेगा ना, चार ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस आयनिक कोवेलेंट एज वेल एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए वहाँ पे बनाने आना चाहिए कि कहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा कहाँ नहीं होगा। तो Al2Cl6 का देख लेते हैं। अब Al2Cl6 में देखो, ये AlCl3 का एक मॉलिक्यूल हुआ, इसी तरह से AlCl3 का हम दूसरा मॉलिक्यूल भी ड्रॉ करेंगे। अभी हमने कुछ नहीं, बस AlCl3 का दो मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर लिया। अब यदि हम आपसे पूछे कि इस एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इस एल्युमिनियम के पास बताओ, तो एक दो तीन बॉन्ड है ना, तीन बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, सिक्स। क्या एल्युमिनियम के पास कोई लोन पेयर है, नहीं ना, क्यों, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2, 8, 3। अब तीन इलेक्ट्रॉन था, तीनों का तीनों कहाँ जा चुका बॉन्डिंग में, तो तीन बॉन्ड बना लिया मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं, हाँ यस सर, नो सर। इस एल्युमिनियम के पास बताओ, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नो सर। अच्छा अब बात आती है कि यहाँ पे Cl के पास क्या कोई लोन पेयर है या नहीं है, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है ना कितने होते हैं, 2, 8, 7। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 7 का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्डिंग में तो बच कितना गया, 3 पेयर बचेगा, सभी के पास 3, हम बाकी को नहीं ड्रॉ कर रहे, बस इस दोनों को, ठीक है ना। अब देखो करता क्या है, इस एल्युमिनियम को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे Cl क्या करेगा, अपना एक पेयर को एल्युमिनियम को दे देगा, डोनेट कर देगा। तो यदि ये अपना एक पेयर डोनेट कर दे तो यहाँ से हम पहले एक पेयर हटाएंगे और हम, हाँ इसका जगह पे हम क्या कर देंगे, एरो बना देंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ, क्लोरीन ने अपना एक पेयर एल्युमिनियम, और इस तरह से इस एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। अब हम लोग इस एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ऊपर वाला Cl का इलेक्ट्रॉन को हटा और वो क्या कर देगा, डोनेट कर देगा आपका, क्लोरीन गायब हो गया, हाँ चलो ठीक है ना। अब जाके ऑक्टेट कंप्लीट है,
हाँ, अब सभी एटम का आपको ऑक्टेट। अच्छा, क्या क्लोरीन अपना एक पेयर दे दिया तो क्या क्लोरीन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? उसका कम्प्लीट है, याद है ना, किराए से देता है वो दो इलेक्ट्रॉन को। तो इस तरह से आप सभी आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस तरह से आपका Al2Cl6 का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा बात? हाँ, अभी और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं पहले, फिर एक साथ नोट कर लेना। अब यहाँ पे नेक्स्ट NH4 का फॉर्मेशन को समझते हैं। NH4+, इसका नाम क्या होता है? अमोनियम। यम आता है लास्ट में, यम कैटायन के लास्ट में, जनरली नाम के लास्ट में यम आ जाता है। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, यम एल्यूमिनियम। तो सुनो, अब ये बनता कैसे NH4+, इसमें भी एक्चुअली आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कैसे समझना जरा, NH4+ में क्या होता है, एक्चुअल में NH3 और ये H+ के बीच बॉन्डिंग से NH4+ बनता है। अब आप बताओ H+ के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? H+ के पास एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो होता है, वो अभी बेचारा लूज कर दिया, तो इसके पास कुछ बचा क्या? No, कुछ भी नहीं बचा इसके पास। और NH3 के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा है क्या? NH3 के पास नहीं भाई, टू कॉमा फाइव ना, 5 में से कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गया, यानी कितना बच गया? 1 पेयर बचा ना। अच्छा, अब हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, तरस खाके इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और हाइड्रोजन का इस तरह से डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन अपना लोन पर H+ को दे दिया। तो यहाँ पर ये जो दिया ना, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में लिख सकते हैं, NH3 ना, H और यहाँ पर H+ था, ये क्या किया नाइट्रोजन अपना लोन पर H+ को दे दिया। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में दिख रहा है। अब इसी कोऑर्डिनेट को यदि हम कोवेलेंट रूप, कोवेलेंट बॉन्ड के से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या करना होगा बताइए आप लोग। कोऑर्डिनेट को यदि कोवेलेंट से लिखना चाहें, हाँ, डोनर पे प्लस आ जाता है और जो एक्सेप्टर होता है उसके ऊपर माइनस, तो डोनर पे प्लस और हाइड्रोजन पे माइनस। पहले से था प्लस और फिर से क्या आ गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। चार्जेज जब प्लस माइनस चार्ज आसपास साथ, तुम लोग यार, अरे यार इस पार्ट को कट करना पड़ेगा यार मुझे, नहीं तो पता चलेगा रैंकर्स के स्टूडेंट कैसे है। प्लस माइनस, अरे चार्ज पार्टिकल को यदि हम न्यूट्रल होगा ना, मान लो एक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं जिसमें 10 पॉजिटिव चार्ज है, 10 नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल सिस्टम क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा ना। हाँ, शांत हो जाए यार तुम लोग यार, ना भाई अभी पार्ट काट के हटाना पड़ेगा वीडियो से। हाँ, तो इस तरह से NH4+ का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है, समझ में आ रहा है किस तरह से NH4+ का फॉर्मेशन हो रहा है। चलो एक और एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं, H3O+, जिसका नाम क्या होता है, हाँ क्या नाम होता है, वेरी गुड, शाबाश बच्ची, हाइड्रोनियम आयन। अब देखो हाइड्रोनियम आयन में क्या होगा, H2O और H+। अब बताना ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्या कोई इलेक्ट्रॉन पेयर बचा ऑक्सीजन के पास? कितना, 2.6, 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 चला गया, 4 इलेक्ट्रॉन बचा। अब H+ को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको दे देगा। इस तरह से OHH पहले से था, अब ये लोन H+ को दे दिया। जैसे दे दिया, कोऑर्डिनेट को यदि हम कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करना चाहें, अच्छा ऑक्सीजन के पास अभी भी एक लोन पेयर यहाँ पे बचा है कि नहीं, एक दे दिया, एक पेयर तो बचा है। अच्छा अब यहाँ पे बताना, एक पेयर बचा है, कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट से रिप्लेस कर रहे हैं, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा, और एच पे माइनस, लेकिन पहले से क्या था, ओवरऑल, समझ में आ रहा है। तो H3O+ में जो प्लस चार्ज होता है वो एक्चुअल में हाइड्रोजन के ऊपर होता है या ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर होता है, समझ में आ रहा बात। तो ये कुछ और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जांपल थे, क्लियर। yes, तो अब आप लोग नोट कर लो, इसके बाद वीडियो पॉज कर दो। साथ
स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड. ऑक्सो एसिड किसको कहते हैं? ऐसे एसिड, हाँ ऐसे एसिड जो जहाँ ओ एच ग्रुप लगाओ, जहाँ ओ एच ग्रुप एसिड कंटेनिंग ओ एच मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा होना चाहिए. अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे. ओके क्या H2CO3 बहुत सारे एग्जांपल है. हम स्टार्ट करते हैं H2SO4 से ही. H2SO4 इसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा सेंटर पे किसको हम रखेंगे, सेंट्रल एटम कौन होगा हमारा. तो यदि कभी नहीं समझ आए तो याद रखिएगा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है, जैसे सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, सल्फर कितना मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, टू मैक्सिमम. देखो तो कितना बॉन्ड बना सकता है, देखो 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 फोर बना सकता है, मैक्सिमम सिक्स बॉन्ड बना सकता है, दो चार छः याद है. तो सल्फर मैक्सिमम सिक्स बॉन्ड बना सकता है, जबकि हाइड्रोजन ओनली वन, ऑक्सीजन आपको केवल टू बॉन्ड. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितना फॉर्म कर सकते हैं सल्फर से, तो बीच में हम किसको रख देंगे सल्फर. अच्छा इसका नाम क्या H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड. अच्छा यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आइटम है, दो. तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन आइटम है तो OH लगा. तो जितने H दिखेंगे आपको पहला काम क्या करना, उतना OH बना देना है. हर जगह ये लागू नहीं होता लेकिन अभी एक रफ आइडिया के लिए, जितने H दिखेंगे उतने OH बना देना है. तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, हम दो OH बना दिए. अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन और बचे हुए हैं, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन क्या करेगा, सिंगल डबल क्या बनाएगा, इधर से भी. अच्छा इधर ऑक्सीजन के पास ये सब सिंगल बॉन्ड होगा, मैं अब हर जगह ये सब नहीं दिखलाऊंगा, ठीक है ना. आप खुद समझ जाना कि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, एक एच के साथ बना रहा है, एक सल्फर के साथ बना रहा है. तो ऑक्सीजन दो बॉन्ड कंप्लीट. यदि हम आपसे पूछे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, कितने लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है, कितना हो जाएगा, टू लोन पेयर ना, कैसे टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन के पास. वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास, सिक्स में से एक गया इधर एक गया इधर, कितना बच गया, टू लोन पेयर. इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पे अगेन छः में से दो बॉन्ड चला गया, बच कितना गया, दो इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे बताइएगा समझ आ रहा है H2SO4 का स्ट्रक्चर. चलो तो अच्छा सल्फर के पास क्या कोई लोन पेयर बचा है क्या, सल्फर के पास बचा है क्या, नहीं बचा है ना, क्योंकि सल्फर के पास सल्फर का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 6 होता है. तो 6 में से 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जा चुके ना शेयरिंग में, तो इसीलिए कोई इलेक्ट्रॉन बचा. तो ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है, समझ में आया. चलो तुम लोग दूसरा स्ट्रक्चर तुम लोग खुद से बनाने की कोशिश करो H2CO3 का, नोट कर लो, फिर दूसरा स्ट्रक्चर खुद से बनाने की कोशिश करो. सही है, चलो यार अब मैं बता देता हूँ, ठीक है देख लो, जिनका नहीं हुआ वो इधर समझ लेंगे. अच्छा इसका नाम क्या होता है H2CO3 का, कार्बोनिक एसिड. अब देखो बीच में किसको रखेंगे, यहाँ पे कार्बन, कितने OH आएंगे, टू OH, तो OH इधर भी OH. अभी भी कितना ऑक्सीजन बचा है, एक ऑक्सीजन. सबसे पहले ये मुझे बता क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर आएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 4. अब चार में से पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, एक इधर दो ऊपर, चार चले गए ना, कोई भी लोन पेयर. ऑक्सीजन के पास बताओ क्या लोन पेयर बचा, तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, देखो 6 में से एक इधर दो गया, कितना बच गया, दो लोन पेयर. समझ आ रहा है, यहाँ पे बताना कितना लोन पेयर ऑक्सीजन का, यहाँ पे भी कितना लोगों का सही था, क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश बच्चे, प्राउड मोमेंट. आगे बढ़े क्या, अच्छा ये वाला भी नोट नहीं किए, अरे तो कब क्या कर रही क्वेश्चन था तुम, कल का वीडियो में यार आधा स्टार लास्ट में जाके कट गया था, HNO3 का स्ट्रक्चर बता रहे थे, यही लड़की थी क्या, अरे हाँ तो सुनो नेक्स्ट स्ट्रक्चर
एच एन ओ टू। चलो तुम लोग खुद से बना मत, सुनो यहाँ पे साथ हो जाए, एक हाइड्रोजन है। हाँ दिखा यार दिखा, हाथ तो हटा स्ट्रक्चर के ऊपर, हाथ रख देते हो, अरे अंगुली नीचे करो। अच्छा उधर हम इधर नीचे वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं। टू एच एन ओ टू में क्या है, एक ओ एच और इधर नाइट्रोजन। अब कितने ऑक्सीजन बचे हुए हैं, एक, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दिए। अब ऑक्सीजन पहले आपको सराउंडिंग आइटम को सेटिस्फाई करते चलना है। अब कुछ बच्चा ऐसा लिखा है एच ओ और इधर एन, है ना, तुम्हें थी ना, नहीं थी। हाँ सर ये वाला स्ट्रक्चर सही है क्या, इसमें हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वह शेयर एक ही इलेक्ट्रॉन करके सिंगल बॉन्ड बना सकता है ना, बीच में रख दिए दो दो बॉन्ड बना रहे हैं। वाह बहुत खूब सुनो, अब शांत हो जाओ। नाइट्रोजन के पास क्या कोई लोन पेयर बचा, ऑक्सीजन के पास तुम लोग अब दिखला लोगे ना, मैं अब केवल सेंट्रल आइटम के ऊपर लोन पेयर को दिखलाऊंगा। सेंट्रल पेयर, सेंट्रल आइटम का मतलब ये वाला, बाकी ये सब सराउंडिंग आइटम का रहेगा, इससे के ऊपर हम लोन पेयर नहीं दिखलाएंगे। बाकी तुम लोग समझ तो जाओगे कहाँ कितना लोन पेयर होगा, क्योंकि जैसे इसी के पास दो, इसके पास दो। समझ में आ रहा, चलिए। अच्छा एच एन ओ, अच्छा इसका नाम क्या होता है, एच एन ओ टू का नाइट्रस एसिड, जबकि एच एन ओ थ्री का नाम क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर जल्दी से बता दो, चलो ओनली वन मिनट का समय दिए, ओनली वन मिनट। ऑक्सीजन का तुमने बहुत बार गलती क्या कर रहे, ऑक्सीजन का कोई सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है, कोई नाइट्रोजन का पांच पांच बॉन्ड बना दे रहा है। भाई नाइट्रोजन तीन बॉन्ड ही बनाएगा, ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड ही बनाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो एक बार मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, बीच में किसको रखा जाए बताओ, अब इसके एक साइड क्या आ जाएगा, ओ एच। अब ये ऑक्सीजन ओके है ना, अब बहुत लोग दो ऑक्सीजन बचा है तो एक ऑक्सीजन ऐसा एक ऑक्सीजन ऐसा, नाइट्रोजन तो तीन बॉन्ड बना लिया लेकिन ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रहे हैं क्या, नहीं तो बहुत लोग ऐसा स्ट्रक्चर बनाए थे। तो अब ऑक्सीजन देखो, अब दो दो ऑक्सीजन आइटम, ये बात तो सही है, लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या है, चार इलेक्ट्रॉन बचा है ना। अब ऐसा भी कर सकते हैं क्या, पता चला नाइट्रोजन के पास चार इलेक्ट्रॉन बचा है तो दो इधर शेयर कर दिया, दो इधर शेयर कर दिया। ऑक्सीजन के पास तो आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका है, दस। देखो दो चार और एक पांच बॉन्ड, पांच बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, दस इलेक्ट्रॉन। क्या नाइट्रोजन के पास दस इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नहीं। याद रखिएगा जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इसके पास दस आठ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो दिख रहा है ये गलत है। तो अब क्या करेंगे, हाँ तो अब देखो नाइट्रोजन पांच इलेक्ट्रॉन होता है, पांच में से दो इधर एक इधर, तीन बॉन्ड बन गया, कितना इलेक्ट्रॉन अभी भी बच गया, हाँ। अब इस ऑक्सीजन को तो चाहिए दो इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है। तो जैसे ये लोन पेयर इस ऑक्सीजन को दे देगा, बातें क्यों कर रहे पीछे, हाँ तो गलत सही जो भी, जब हम समझा रहे हैं तो शांत से रहो। हाँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन अपना एक दो, जो दो इलेक्ट्रॉन बचा था वो ऑक्सीजन को दे दिया। अब मुझे बता इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर आएंगे, छः इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, अरे यार तीन लोन पेयर, एक दो तीन, छः और दो इधर से लिया आठ, इसके पास कितना लोन पेयर, तो इसके पास भी दो। नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर बचा क्या, क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर H3PO4, इसका नाम क्या है, हाँ फॉस्फोरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर बनाओ जरा, ध्यान दो यार। सेंटर पे किसको रखेंगे, फॉस्फोरस, कितने एच दिख रहे हैं, तीन एच को क्या करें, करा जाए
तीन ओ एच, तो एक ओ एच, एक ओ एच और फास्फोरस के पास वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर 15, 15, तो 285। वैलेंस सेल 5 इलेक्ट्रॉन बचा, एक दो तीन इधर चला गया, एक ऑक्सीजन बचा है ना, ओ फोर है ना, तो तीन ऑक्सीजन आ गया, एक ऑक्सीजन अभी बचा है। अब यहाँ पे बना सक, क्या फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना? बना सकता ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की जरूरत है क्या हमें? सही है, हालांकि यहाँ कोऑर्डिनेट भी बना सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आपका फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है जो कि फास्फोरस के लिए से। नाइट्रोजन क्या 5 बॉन्ड बना सकता है? हम तो एक चीज़ याद रखिएगा, नोट करके लिख लो, सेकंड पीरियड एलिमेंट बात ना करें, कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, किसके पास? सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास। ओके, चलो मान लो, अब स्टार्ट हो गया है, उधर वो लॉक कर देना, एक एक्सपोजर लॉक ऑफ ऑफ है। अच्छा, मान लो यार, गलती मानना बड़प्पन है, बड़े लोगों की निशानी, महान लोगों की निशानी है। हाँ सुनिए, अरे अर्पिता सीधे बैठ जा। अच्छा ऐसी बात है, सुनो, फास्फोरस के पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने? तो एक दो तीन चार पाँच, पांच बॉन्ड बना रहा है ना, इट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा, जो थर्ड पीरियड एलिमेंट है या फिर थर्ड पीरियड के बाद वाले जो भी एलिमेंट, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एलिमेंट, उनके लिए ये ऑक्टेट रूल पूरी तरह से वैलिड नहीं होती, मतलब वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं वैलेंस सेल में। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे देखे, फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, और भी कुछ एग्जांपल हम लोग देखे थे H2SO4, यहाँ पे सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में? काउंट करो बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन, दो चार पाँच छः, कितने बॉन्ड बना रहे? छः, 12 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ऑक्टेट रूल आपका थर्ड पीरियड एलिमेंट्स और उसके बाद वाले के लिए वैलिड नहीं। तो मैं लिख देता हूँ, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स एंड ऑनवर्ड्स कैन हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। समझ आ रहा है? यह पॉइंट लिख लो आप लोग भी नोट करके, 3। अच्छा, H3PO4 का नाम क्या था? हाँ, H3PO4 का नाम, H3PO4 का हम पूछ रहे हैं, फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन H3PO3 का नाम क्या होता है? फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर देखो किस तरह से बनेगा, बीच में किसको रखेंगे? अब यहाँ पे ध्यान रखना, फास्फोरस 5 बॉन्ड ही बनाएगा, कोशिश करो खुद से, फास्फोरस 5 बॉन्ड ही बनाएगा, स्ट्रक्चर खुद से बनाने की कोशिश करो, बनाने तो रहने दो। हाँ बोलो, किसका बन गया? कितना लोगों का सही वाला आंसर आ रहा है? कैसा है देखो, दिखाओ ना, दिखाओ, दिख जाएगा मुझे। हाँ सही है, सही। सुनो, आप जिनका नहीं बना वो इधर देख लेंगे। अच्छा यहाँ पे देखो, ध्यान रहे, अब क्यों ये 5 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो आपको लग रहा हो कि यार 3 हाइड्रोजन है 3 ऑक्सीजन है, तो एक काम करते हैं OH बना देते, कितना बढ़िया। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 285, अरे यार 5 में से कितना 3 चला गया, कितना बच गया, ऐसा हम बना सकते थे। लेकिन एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर आपका सही नहीं होता, सही नहीं होने का वजह ये है कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये जो H3PO3 है ना, इट हैज़ ओनली 2 एसिडिक हाइड्रोजन, ये रिएक्शन से पता चलता है। ये एक्चुअल में क्या है आपका? एसिड।
इसको जब हम बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा ना। तो ये देखा गया कि H3PO3 जो होता है ना कि इसके पास केवल दो ही एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, केवल दो ही। और एसिडिक हाइड्रोजन किसको कहते हैं, जो हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन, उसी को हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसीलिए यदि हम ये स्ट्रक्चर बना दें तो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, लेकिन होते कितने, इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर गलत है। यदि केमिकल बॉन्डिंग के रूल्स के हिसाब से हम बात करें तो इसमें कुछ भी गलती नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या आपका स्ट्रक्चर होता नहीं है एक्सपेरिमेंटली, क्लियर है। तो इसलिए ये वाला हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं करेंगे। तो अब देखो स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे। अच्छा, यहीं पे अभी हम एक और चीज़ बताएंगे बेसिसिटी के बारे में, जो बहुत काम आता है। एक आप OH के साथ बना दो, ध्यान देना इधर, एक और OH के साथ बना दो, दो हाइड्रोजन खत्म हो गया है, एक हाइड्रोजन और तीन दो कितना ऑक्सीजन बचा है। अब एक OH तो नहीं बना सकते हैं, तो हम एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन H3 होना चाहिए ना। देखो तो तुम लोग यार जब बनाते हो ना तो खुद से चेक कर लो अपना स्ट्रक्चर, तुम खुद से भी चेक कर सकते हो सही कि गलत है। बस क्या देखना, हाइड्रोजन कहीं भी एक से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाना, ऑक्सीजन कहीं भी दो से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, फॉस्फोरस बोल दिए पाँच बॉन्ड, तो देख लो भाई पाँच बॉन्ड से कम या ज़्यादा तो नहीं बना रहा है। बस ये सारी चीज़ें चेक कर लोगे तो तुम लोग खुद से। अब बहुत लोग क्या करते हैं, H3PO3 का स्ट्रक्चर दिए हैं, दो हाइड्रोजन लगा हुआ, एक हाइड्रोजन का पता नहीं गायब कर देते हैं स्ट्रक्चर सही करने के चक्कर में। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, सही है, क्लियर। अब यहाँ पे, हाँ अच्छा, अब यहीं पे एक चीज़, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा होता है ना वो आपका एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और इसको हम लोग, इसको हम लोग बेसिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिसिटी। जैसे यदि हम आपसे पूछे कि इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, तीन है ना, एक दो और तीन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई बेसिक एसिड। क्या बोलते हैं, ट्राई बेसिक। ट्राई बेसिक का मतलब तीन एसिडिक हाइड्रोजन है। अच्छा, इससे पहले भी देख लो एक बार, मैं पूरे यहाँ से बता रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं उसको बेसिक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बेस से रिएक्ट करता है, ओ से लगा है ना, इसीलिए उसको हम बेसिक कहते हैं, इसलिए ट्राई बेसिक। OH लगा है ना, OH की वजह से ट्राई बेसिक, तो ट्राई बेसिक का मतलब ये नहीं कि वो बेस है, ऐसा मत समझ लेना, समझ रहे हो ना। हाँ, तो कन्फ्यूज़न होता है। H2SO4 क्या होगा बताओ, तो कितने एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहे हैं, दो। तो इसका बेसिसिटी हम क्या बोलेंगे, दो, डाई बेसिक। या फिर इसको ऐसा बोला जाता है कि इसका बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी क्या है, टू। H2CO3 का बताओ बेसिसिटी क्या होगा, टू। और ये भी कैसा एसिड है, डाई बेसिक होगा। HNO2 का बताओ बेसिसिटी, मोनो बेसिक, इसको क्या बोलेंगे। HNO3 भी क्या है, मोनो बेसिक। H3PO4 ट्राई बेसिक। H3PO3 हाँ, ये डाई बेसिक एसिड है। तो ये एक्सपेरिमेंटली पता चला कि H3PO3 जो होता है वो डाई बेसिक एसिड होता है, इसलिए उसका वो वाला स्ट्रक्चर सही नहीं था। ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से देख सकते हो ना, ये क्या है, डाई बेसिक। समझ में आ रहा है। आगे हम लोग अब ये सब आगे पढ़ेंगे, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ये जो हाइड्रोजन लगा होता है ना, इस हाइड्रोजन के वजह से ये फॉस्फोरस एसिड रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करता है। अब ये क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे रेडॉक्स के चैप्टर में। आगे देखना एक और स्ट्रक्चर, नेक्स्ट H3PO2। इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर खुद से बताओ। यहाँ पे भी फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाएंगे, फाइव बॉन्ड बनाए। इससे इसका ध्यान रखते हुए जल्दी से बता दो स्ट्रक्चर कैसा लगेगा, दिखेगा, मोनो बेसिक होगा। हाँ, बेसिसिटी क्या होगा, वन होगा। देख लीजिए यार, H3PO2 है ना, तो पी एक OH आ जाएगा और बाकी H बेसिसिटी क्या होगा, बेसिसिटी क्या होगा, वन। और इसको हम लोग क्या कह देंगे, मोनो बे। कितना लोगों का सही था, अरे बाप रे बाप, कुछ लोग गलत भी कह दे, बोले भी हाथ उठा दिए, यही था। चले यार, वेरी गुड, शाबाश।
तो चले ये अब तुम लोग स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करना सीख गए ना, हाँ अब उतना दिक्कत तो नहीं आएगा तुम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। एक बार जाना जितना भी स्ट्रक्चर अब तक ड्रॉ करवाए उसको खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ओके। उसके तो क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करने आएगा तो फिर आगे हम बार बार हर चैप्टर में स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आएगा तो वहाँ हर चीज़ हम हर बार तो नहीं समझाएंगे ना कैसे हुआ क्यों हुआ, इसीलिए यह चीज़ तुम लोगों को आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलो नोट कर रहे हो क्या, कोई नोट हो गया कर रहे थे जल्दी से कर ले। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एक्सेप्शंस टू लुईस ऑक्टेट रूल। शांत हो जाओ। अब सुनो, अभी बहुत सारे मॉलिक्यूल हम लोग देखे जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं होते, तो अब हम लोग यहाँ पे एक साथ कैटेगराइज कर लेते हैं कौन ऑक्टेट रूल फॉलो करता है कौन नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जनरली जो नॉर्मली यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वो एक्सेप्शंस की ही बात करने जा रहे हैं। पहला एक्सेप्शन जो होता है वो है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड किसको हम कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड किसको कहेंगे, जिसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो। अच्छा सर कुछ पूछ रहे हैं, किसी के स्कूटी साइड में खड़ी है क्या? अरे ठीक है ना, अरे यार ठीक है यार वो सब देख लेंगे। प्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड किसको कहेंगे, हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स इन द वैलेंस सेल। यानी वैलेंस सेल में क्या हो आपका, 8 से यदि कम इलेक्ट्रॉन होगा तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं, पहला एग्जांपल BeCl2। बी ध्यान से देखो, BeCl2 में बेरिलियम, इधर भी क्लोरीन इधर भी क्लोरीन, बताओ क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, ये भी। अच्छा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.2 ही होगा ना, क्या बात हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शंस टू लुईस ऑक्टेट रूल, ठीक है। इसमें भी अच्छा नहीं दिख रहा है अच्छे से। अरे यार ये नहीं अच्छा से दिख रहा है क्या, हमको समझ नहीं आ रही जो स्क्रीन के लाइट है उसका सामने वाली लाइट। हां लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है ना YouTube पे। हां सुनो, तो ये आपका बेरिलियम हो गया, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.2। तो अब यहां पे बताओ क्या बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर बचा है, और अब मुझे बताओ बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 ही है ना। इसका मतलब यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट, और 8 से कम इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों हुआ समझ आया। चल एक्सेप्शंस, हाँ एक्सेप्शंस कह सकते हैं। फिर BeCl3 या BF3, बोरोन के पास कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, क्लोरीन 1, 2 और 3। चलिए देखो 1, 2 क्लोरीन सिंगल। अब बता बोरोन के पास क्या कोई लोन पेयर बचा, नहीं 2.3 और 3 इलेक्ट्रॉन तीनों के तीनों आपके बॉन्डिंग में चले गए, कोई लोन पेयर बचा नो सर। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन, अगेन 8 से कम, तो ये भी क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का एग्जांपल है, समझ आ रहा है। और एक एग्जांपल देख लो AlCl3 एल्यूमिनियम, यहाँ पे भी Cl और Cl 1, 2 अगेन यहाँ पे देखो एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है एल्युमिनियम का, 283। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन तीनों के तीनों कहाँ जा चुका है बॉन्डिंग में, क्या इलेक्ट्रॉन बचा एल्युमिनियम के पास, कुछ भी वैलेंस कोई लोन पेयर नहीं बचा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के पास, 6। तो ये भी क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, समझ मारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड किसे। आपको क्वेश्चंस क्या देखेंगे, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, पहचान लोगे ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको दिखेगा जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, कंपाउंड का फॉर्मूला है B2H6 जिसका नाम होता है डाइबोरेन
और ये कंपाउंड जो है फेमस है बनाना बॉन्ड के नाम से, बनाना बॉन्ड। अच्छा सुने तुम लोग कोटा फैक्ट्री देखे है ना? हाँ, तो ये बनाना बॉन्ड जिसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, ये भी आपका क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। ओके, तो ये अब आप लोग जल्दी से नोट कर लो। एक्सेप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। दूसरा एक्सेप्शन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेस कंपाउंड, जिसको हम लोग सुपर ऑक्टेट कहेंगे। सुपर ऑक्टेट का मतलब क्या है? हाँ, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वैलेंस शेल में, हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। जैसे एग्जांपल के लिए H2SO4 की हम बात कर लेते हैं। H2SO4 में बस देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सल्फर के पास, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सल्फर के पास, 2, 4, 5, 6 बॉन्ड, 12 इलेक्ट्रॉन्स ना। इसी तरह से PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 के लिए क्या बोले, Cl, 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 3 ऊपर 4 इधर 5, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 5 बॉन्ड का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। इवन कुछ मॉलिक्यूल होते हैं आपके लाइक IF7 में आयोडीन और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 F, कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, 14 इलेक्ट्रॉन्स है आयोडीन के पास। तो ये सारे आपके किस तरह के एग्जांपल हो गए, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस क्यों कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस इनको समझ आ रहा है। yes, sir. अभी तो हम यही एग्जांपल बताए, आपको क्वेश्चंस में ऐसा भी दिख सकता है, पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे ऑक्टेट्स रूल। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होंगे या जो भी सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स है वो सारे ऑक्टेट रूल के को वायलेट करेगा। समझ आ रहा है बात? चलो तो ये नोट कर लो, इसको आज यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट डे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए बाय।